एनएलएफटी के एक आतंकी एसएस वारंट ऑफिसर रविंद्र देव वर्मा ने बुधवार को पानी सागर मुख्यालय में डीआईजी सिंधु कुमार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दरअसल कैंपों में खाद्य की कमी और अस्वास्थ्यकर परिवेश की वजह से देव वर्मा ने अपनी पत्नी चौंटा त्रिपुरा और अपनी दो बेटियों जैस्मिन देव वर्मा और मुचंती देव वर्मा के साथ डीआईजी के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। स्वर्गीय सचिंद्र देव वर्मा और क्षेत्र लक्ष्मी देव वर्मा का बेटा रविंद्र देव वर्मा ढलाई जिले के नतून बाजार ब्रांड्रा देव वर्मा पारा का निवासी है। सूत्रों के मुताबिक रविंद्र देव वर्मा साल 2000 में संगठन में शामिल हुआ था और बांग्लादेश के सिकारा बारी में रह रहा था। मेन स्ट्रीम में लौट आवे और लौटने के बाद इन्होंने हमारे ये डिप्टी कमांडेंट इंटेलिजेंस हैं, इंचार्ज यहाँ के हैं, इनके और इनकी टीम ने मिल करके इनको सरेंडर करने के लिए प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया, तो करके फिर उन्होंने अभी 11:50 इन्होंने सरेंडर किया है और हमें उम्मीद है कि ये एक अच्छा शहरी होने का फर्ज निभाएंगे, अच्छा काम करेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य तथा राज्यिक अधिकारियों के बीच दो दिवसीय बैठक बुधवार को समाप्त हो गई। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों की संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान राष्ट्रीय खेल के समय न्यू मेघालय 2022 का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए मेघालय सरकार और नीति आयोग के मिलकर काम करने पर भी चर्चा की गई। नीति आयोग ने पर्यटन क्षेत्र में निजी विनिवेश के लिए भी मेघालय सरकार को हरी झंडी दिखा दी है। It was a very detailed meeting with presentations from almost all the departments, the works that are being conducted by the different nine departments, the challenges that the departments are facing. I think all these came out and I'm very happy that our vice chairman has responded very positively and he has ensured us of complete support from Niti Aayog and from Government of India. The target for New Meghalaya for 2022, when the national games will be held, we talked about several constraints and bottlenecks that the state is facing. Niti Aayog will take up all those issues with the different line ministries of the central government. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बुधवार को मिजोरम के चंफाई जिले के वांगचिया ऐतिहासिक गांव में हुई खोजों को प्रस्तुत किया। विभाग ने कहा कि उन्हें विभिन्न आकारों की 100 से अधिक संरचनाएं मिली है। इन खोजों को मिजो जनजाति के इतिहास पर प्रकाश डालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुरातात्विक दल के प्रमुख डॉक्टर सुजीत नैन ने कहा कि इन 2 सालों में उन्होंने 60-70 से अधिक गांवों की खोज की है और इस दौरान नई सभ्यता सामने आई है। खुदाई के दौरान पुरातात्विकों ने 2015 में वांगचिया में दफन स्थलों से मानव हड्डियों और पुरातन चीजों को बरामद किया। When I saw Wangchia on my helicopter when I was the deputy commissioner from the air, it were very tall stone monuments, very tall stone monuments. That struck me. But when I actually visited on the spot in 2010 only, then I was a bit, well, struck because I found that all those tall stones have been broken. असम में एनआरसी का फाइनल मसौदा प्रकाशित होने के बाद मेघालय में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह अलर्ट है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा, सरकार ने अलग अलग स्थानों पर तलाशी चौकियां लगाई है और खुद वे भी पिछले 2 दिन से इस मुद्दे पर नजर रखे हुए हैं। सभी पड़ोसी जिलों के जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। संगमा ने बताया कि सभी जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक उन्हें रोजाना अपनी रिपोर्ट सौंप रहे हैं। राज्य में अधिक घुसपैठ की आशंका से खासी छात्र संघ ने विभिन्न तलाशी चौकियों में घुसपैठ जांच चौकी की स्थापना की है। So we have been in touch. I've been personally speaking to the SPs and DCs and I've asked them to take utmost care. They have been submitting reports to me almost on a daily basis. Last 2 reports have come in. Pictures have come in of different kind of checks that have been taking place. So therefore we are doing our part. Government is doing its part. It is a situation which is of course very fluid and we are very aware of it. We are alert.